मारा श्वास श्वास माने मी, मारी आस पास माने मी, मारा श्वास श्वास माने मी, मारी आस पास माने मी, लागी लागी रे लगनी एनी, उज्जयंत नो प्रेमी, बस एज एक तन मन मा, बस एज एक तन मन मा, बस एज दिल मारे धबके। तीर्थ स्पर्श सीजन टू। हमारी यात्रा पहुंची एक छोटे से गांव रिंगनोद में। नेमिनाथ भगवान का बहुत प्राचीन तीर्थ, संप्रतिकालीन भगवान, कसौटी पत्थर के संप्रतिकालीन भगवान यहाँ पर है। छोटा सा छोटे से गांव में आया हुआ तीर्थ, यात्रालु का अभाव, गिनती के कुछ लोग आते हैं, लेकिन बहुत ही प्राचीन तीर्थ है ये। यहाँ नेमिनाथ भगवान भी, पूरे मालवा प्रदेश में नेमिनाथ भगवान का ये पहला डेरा सर। उसके बाद अभी आष्टा तीर्थ में नेमिनाथ भगवान का एक दूसरा प्राचीन डेरा सर हुआ है, जिसके जीर्णोद्वार हुआ है कार्य, लेकिन पूरे मालव प्रदेश का ये पहला नेमिनाथ भगवान का ये डेरा सर। मैं सभी मालव प्रदेश के नेमिनाथ गिरनार प्रेमियों से खास कहूंगा कि आपके यहाँ एक गिरनार मंडन नेमिनाथ भगवान की एक सुंदर सा डेरा सर है, सुंदर सा प्राचीन जिनालय है, तो आप जरूर जरूर इस तीर्थ की यात्रा करने के लिए पधारे। और पूरे भारतवर्ष के यात्रियों से भी कहूंगा कि आप जब जावरा आओ, आप जब नागेश्वर आओ, या आप मध्य प्रदेश की तीर्थ यात्रा पर आओ, तो इस तीर्थ की यात्रा आप जरूर जरूर करें। चलो इस तीर्थ की सुंदर भाव यात्रा करें। रिंगनोद तीर्थ। जावरा नगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये प्राचीन तीर्थ। पूर्व में इंद्रप्रस्थ नाम से प्रख्यात इस तीर्थ भूमि को देवास स्टेट के महाराजा ने 100 वर्ष पहले श्रीशंक को 8 बीघा जमीन यानी 2 लाख स्क्वायर फीट की जमीन दान में दी थी। इस भूमि पर उस काल में सुरम्य गंध युक्त 500 चंदन के पेड़ लहराते थे। निष्काम निर्मल निर्विकारी नेमिनाथ नमो सदा, छाहो में उज्जवल जीवन को लागे कलंक नहीं कदा, अविकारिता रहे दृष्टि में इतनी है मेरी प्रार्थना, बाल ब्रह्मचारी ने मैं जिनको भाव से करूं वंदना। पिंगला नदी के किनारे स्थित इस भव्य तीर्थ के मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा भूगर्भ से प्राप्त हुई थी। इतिहास से ज्ञात होता है कि 2200 वर्ष प्राचीन संप्रतिकालीन कसौटी पत्थर से उकेरी गई नैनाभिराम श्री नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा सहित अन्य प्रतिमाएं गांव में स्थित एक नाई के मकान से लगभग 105 वर्ष पूर्व मिली थी। मूल गंबारे में ही आदिनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, महावीर स्वामी भगवान की मनोहर प्रतिमा के साथ ही अति दुर्लभ ऐसी पंच परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा सुशोभित है। बाहर के गोखले में नेमिनाथ भगवान के अधिष्ठायिका देवी देवी की मूर्ति अपनी विशिष्टता के साथ विद्यमान है। अधिष्ठा एक देव को किसी अन्य देव ने अपने कंधे पर बिठाया हुआ है, ऐसे अद्भुत मुद्रा युक्त गोमेद यक्ष की मूर्ति कई और देखने को नहीं मिलते हैं। मालवा में मूल नायक के रूप में विराजित नेमिनाथ जी का ये प्रथम जिनालय है, एवं दूसरा जिनालय आष्टा में सुशोभित है, जिसका जीर्णोद्वार अभी कुछ सालों पूर्व हुआ है। यति जी का मंदिर। इस मंदिर को यति जी ने उड़ाकर यहाँ स्थापित किया था। मुगल कालीन आक्रमण से बचने हेतु उस काल में इस मंदिर को मीनार का स्वरूप दिया गया था। मूलनायक श्री सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ भगवान की 100 से भी अधिक वर्ष प्राचीन प्रतिमा है यहाँ। इस मंदिर में श्री नेमिनाथ भगवान आदि अन्य प्रतिमाएं भी विद्यमान है। पार्श्व पद्मावती धाम। 3 मंजिला इस जिनालय में नीचे उपाश्रय, मध्य में पद्मावती माता का मंदिर और सर्वोपरि परमात्मा जीरावला पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर दीप्यमान है। इस नूतन जिनालय में मूल नायक के रूप में विराजमान है श्री जीरावला पार्श्वनाथ भगवान। श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान एवं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की सुंदर प्रतिमा भी यहाँ विराजमान है। रंग मंडप में श्री गौतम स्वामी एवं माणिभद्र देव की खड़ी प्रतिमा विराजित है। पद्मावती माता का अति सुंदर स्वर्णिम रंग मंडप प्रथम मंजिल पर है, जहाँ सरस्वती माता,
लक्ष्मी माता एवं प्रांगण में नाकोड़ा भैरव और क्षेत्रपाल देवता भी हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ नवकाशी का आयोजन होता है, जिसमें 200 लोग साधन में भक्ति में पधारते हैं। यहाँ आसपास जैनों के कुल 50 घर हैं। यात्रियों हेतु धर्मशाला एवं भोजनशाला की व्यवस्था पद्मावती देवी मंदिर में है। रोजाना इस जिनालय के मूल द्वार के दोनों ओर ऊपर हाथी और सिंह की विशिष्ट कलाकृति देखने को मिलती है, जहां हाथी की सुंड में सिंह स्थित है। मूलनायक श्री आदिनाथ जी की श्वेत वर्ण्य प्राचीन भव्य प्रतिमा है यहाँ। आसपास में श्याम वर्ण्य नेमिनाथ और श्री पार्श्वनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमाएं विराजमान है। गंभारे के बाहर यक्ष अक्षनी भी है। रंग मंडप में गजासीन माणिभद्र जी की विशाल मूर्ति है, जो पलाठी लगाकर बैठे हुए हैं। पूज्य श्री राजेंद्र सुरसुर जी महाराज साहब की प्रतिमा भी यहाँ मौजूद है। रंग मंडप में ऊपर कांच के पट में 14 स्वप्न के साथ ही 24 तीर्थंकर के लांछन भी अंकित है। उपाश्रय बना हुआ है, परंतु धर्मशाला और भोजनशाला की व्यवस्था नहीं है, फिर भी पूर्व सूचना पर संपूर्ण व्यवस्था हो जाती है। रोजाना तीर्थ में जिनों के दो परिवार के 8 घर हैं, फिर भी पर्युषण पर्व महोत्सव बहुत ही उत्साह पूर्वक संपूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है। नामली औरंगजेब के पूर्व का यह प्राचीन मंदिर है। मूल नायक भगवान श्री महावीर स्वामी भगवान की 135 वर्ष प्राचीन प्रतिमा सुशोभित है। श्याम वर्णीय आदिनाथ परमात्मा की लगभग 700 वर्ष प्राचीन मनोहारी प्रतिमा भी यहाँ विराजित है। इसके अलावा एक छोटी पंचधातु की प्रतिमा भी विराजित है, जिनकी पलाठी में हीरे जड़े हुए हैं। नया अष्टापद जी जावरा ताल रोड पर जावरा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अष्टापद जी नूतन तीर्थ। अष्टापद जी तीर्थ में वर्तमान 24 तीर्थंकर की नयनाभिराम प्रतिमाएं विराजित हैं। यह विहंगम तीर्थ में अष्टापद जी की विशाल देदीप्यमान आकृति प्रस्तुत की गई है। सूर्य किरण का आलम्ब लेते हुए श्री गौतम स्वामी जी की अष्टापद पर्वत के शिखर पर पहुंच रहे हैं, ये परिदृश्य साक्षात यहाँ प्रतीत होता है। गौतम स्वामी जी की क्षेत्रीय वंदन मुद्रा में विराजित मूर्ति एक विशेष आकर्षण आच्छादित करती है। संपूर्ण विश्व में अनंत लब्धि निदान की इस प्रकार की जीवंत मुद्रा शायद ही कहीं देखने को मिले। जावरा नगर के नजदीक में रहे हुए रिंगनोद रोजाना आदि प्राचीन तीर्थों की स्पर्शना करने हेतु आप जरूर जरूर पधारें।